ऐसा लोहे का कोई जलता हुआ कि अंदर चला जाए या विषैला दांत जैसे कोई अंदर चला जाए तो उससे जैसे पीड़ा होती है ऐसी शोक शंकु शोक रूपी सीता के शोक रूपी की उसको हमने भी क्यों ना सोना। जब मैंने नहीं सहा यदि सीता ने मेरे लिए वियोग सहा है जब मैंने नहीं सहा और मरमाणि कृंतन अभी मर्म स्थानों को मानो चीरता हुआ। मरमाणि कृंतन माने मर्म स्थानों को चीरता हुआ था चीरता हुआ सा किम न सोधा अर्थात सीता के वियोग को मैंने भी सहा है। माना कि सीता हमसे विरक्त होकर के बहुत कष्ट में थी तो मैंने भी सीता से अलग रह करके बहुत खुशियां नहीं मनाई है। मैंने भी अपने अंदर मानो करे हुए कोई कील तिरछी कील जैसे हृदय में गड़ा की और उस और विषैला दांत जैसे आपके अंदर धस जाए तो उससे जिस प्रकार की पीड़ा होती है कुछ उसी प्रकार की पीड़ा मैंने भी सीता के शोक में। सीता ने कहा एवं अभिमंत भागिनी हम मैं ऐसी अभागन हूँ या पुनः आयास कारणी आर्यपुत्रस्य जो आर्यपुत्र राम के लिए मैं पुनः आयास कारणी माने कष्ट कारणी हूँ आयासम कष्ट मैं पुनः आयास कारणी हूँ। एक बार तो मैं आयास कारणी हुई थी जब रावण ले गया था तब से मेरी वजह से आर्यपुत्र राम को बहुत कष्ट हुआ था और आज राम ने भले ही अपने से मुझे छोड़ा लेकिन हमारी वजह से राम दुखी है तो एक बार मैं फिर से राम के दुख में मैं ही गुजर गया ऐसा सीता का कहना है। राम ने कहा एवं अतिगूढ़ इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ स्तंभितांतः और जो बहुत ही अंतःकरण स्तंभित माने धसा हुआ अंदर है अंतःकरण से संस्तुत वस्तु दर्शनार्थ मेरे सब परिचित वस्तुओं के देखने से संस्तुत वस्तु जो पहले से परिचित वस्तु उनको देखने से अति अयम आवेग आज ये जो आवेग हमारे घर में उठ रहा है पहले से मैंने पंचवटी देखी है ये पहले से प्रीतमा के साथ में यहाँ झुमरे यहाँ के पक्षी यहाँ की गोदावरी यहाँ का जंगल सब कुछ संस्तुत वस्तु है और जब कोई पूर्व परिचित वस्तु संयोग काल की वस्तु आप योग काल में देखते हैं तो कष्ट देने वाली है। राम ने कहा कि सारी चीजें हमें कष्ट दे रही है तथा ही इस प्रकार से समाधीयते तं तमन्तः जैसे वेला का उल्लोल हो जाए वेला अपनी मर्यादा को छोड़ दे उल्लोल माने तरंगे जब सागर की समुद्र की तरंगे अपनी मर्यादा को छोड़ देती हैं तो क्षीत करुणा झिम्फन स्तंभना तो करुणा रूपी जो झिम्फन है हमारे अंदर जो करुणा है इसको रोकने के लिए मैं यो यो यत्न प्रयास कथमपि समाधीयते किसी प्रकार से मैं ये प्रयास करता हूँ कि सीता का वियोग हमें ना सताए हमें ना सताए हमें ना सताए तम तम अंता वो उतने ही अंदर उतने ही अंदर उतने ही अंदर चला जाता है। समझ में आ गया बोले भित्वा भित्वा प्रसर्त बला फोड़ फोड़ कर फाड़ फाड़ कर भित्वा भित्वा भित्र वृद्धि करने धातु प्रत्यय भित्वा भित्वा मानो चीर चीर कर बलात् प्रसरत वो करुण वश में चाहता नहीं हूँ कि हमारे अंदर और करुणा आवे और शोक आवे लेकिन मैं जितना ही जितना इस करुणा को इस शोक को इस वियोग को भूलने का प्रयास करता हूँ वैसे वैसे ये करुणा ये वियोग बहुत अंदर मेरी गहराई में चला जाता है। यो यो यत्न तकमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्वा भित्वा प्रसरत बलात् कोऽपि चेतो विकारः कोई चित्त का विकार ऐसा मेरे हृदय में कि जिसको मैं सीता को जितना भुलाना चाहूंगा उतना ही याद आए यही है जितने जितना मैं चाहता हूँ कि सीता का वियोग हमें ना सताए सीता का वियोग कष्ट हमें ना दे उतना ही उतना सीता की याद आए ना। उसको उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि यो यो यत्न कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्वा भित्वा प्रसरत बलात् कोऽपि चेतो विकारः तोयस्येव अप्रतिहत रयः तोय माने पानी ए माने ही और अप्रतिहत माने जिसको रोका नहीं जा सकता ऐसा जल का प्रवाह जिसे रोका नहीं जा सकता उससे सैकतम सेतुम सिकता माने सेत माने तो जैसे कोई बड़ा तीव्र जल का प्रवाह आ रहा हो
और हम पुल बनाए हो बालू का, तो जैसे बालू का पुल तोयस से होगा पानी के प्रवाह को नहीं संभाल पाता, ऐसे ही मेरा हृदय मानो सीता के वियोग के दुख को संभाल नहीं पाया। बात समझ में आ गई? जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा रह माने वेग, रह माने वेग, और ऐसा ओघा माने समूह आया, ऐसा पूरी पानी का इतना तेज वेग आया जिसको सैकतम सेतु आलू का पुल उसे संभाल नहीं सका, बह गया। ऐसे मैंने जो जो प्रयास अपने हृदय में किए किसी का कभियोग में कष्ट ना दे, वो सारा प्रयास मानो बालू के पुल की तरफ बह गया। समझ में आ गया? वो मेरे हृदय का जितना मैंने ढाढ़स बधाया मन को, कोई ढाढ़स काम नहीं दिया, क्योंकि सीता के वियोग का प्रवाह इतना तगड़ा था, सीता के वियोग का शोक का प्रवाह इतना था। सीता ने कहा आर्यपुत्र से एतेन, आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुणा रम्येन, जिसको रोका नहीं जा सकता वो दुर्वार है, दुर्वार माने जिसको रोमवारित नहीं किया जा सकता, ऐसा दारुण आरंभ जो दुख का संयोग है, दुख संयोग है दुख का ही भगवान राम का दुख संयोग, परिमोषितम परिमोषित माने निज दुखम, परिमोषित माने भूल जाना, और निज दुखम माने अपने दुख को। सीता को बहुत दुख है कि राम ने हमें क्यों छोड़ा। सीता ने कहा कि इनके इस दारुण विलाप ने मानो हमारे निज दुखम को परिमोषितम, मैं अपना दुख भूल गई हूँ, इनका दुख देखा तो इनका दुख दुख राम का कष्ट देख करके, राम का वियोग देख करके मानो मैं अपना दुख क्या करती, प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति, क्या कहा, मानो मैं हृदय स्फुटति लगता है मेरा हृदय मर जाए। सीता ने कहा कि राम का कष्ट देख करके अब हम अपना कष्ट भूल गए, अब तो राम के कष्ट में लगता है कि हमारा हृदय फट जाए। समझ में आया? क्या कहते जो दुनिया का क्या कम देखा तो मैं अपना भूल गया। सीता की डायलॉग की कुछ इसी तरह की कि हम अपने गम में बड़े गमगीन थे कि 12 साल हम अलग रहे, पर मेरे वियोग में राम इतने दुखी हैं, मैं इनका वियोग देख करके, सीता ने कहा परिमोषित निज दुखम परिमोषित, भाई सीता का भी तो दुख है राम के वियोग का, या राम ने परित्याग किया इसका दुख नहीं है, ये वाला दुख अब कोई दुख नहीं रह गया। आगे कहा वासंती सवितम, वासंती मन ही मन कहने लगी, राम का ये श्लोक है तो ये सेवा पर कहता है उसे कथम से तुम वे भा, सीता की डायलॉग जो भी वासंती नहीं सुनी, वासंती किस कथम से कहती कष्टम अति आसक्त हो देव, हाय लगता है देव अति आसक्त हो गए इसमें कष्ट में, कष्ट में आसक्ति मतलब कष्ट में बध गए, कष्ट ही कष्ट है अब राम के, राम का जीवन देवा रामा। तो कहती तदा क्षिमामि तावत, तो उसने सोचा कि राम का मन थोड़ा इधर उधर बहलाऊ, राम का मन थोड़ा सीता से हटाऊ, सीता में सीता को सोच करके राम बहुत दुखी हैं, तो तदा क्षिमामि तावत ऐसा वो मन ही मन सोचती है। प्रकाशन इसके बाद कहती है चिर परिचितानि इदानीं, चिर परिचित यह जनस्थान भागान, जनस्थान भागो दंडकारण्य का और अवलोकन देख करके मानिए देवा उनका भी सम्मान बढ़ाए। वासंती ने कहा महाराज अभी दंडकारण्य में देखने लायक चीजें बहुत हैं, चलिए अभी और दूसरी जगह चलते हैं। वासंती ने सोचा यहाँ से हट जाएंगे तो थोड़ा सा सीता से इनका मन हट जाएगा तो शायद ठीक हो जाएंगे, अभी कष्टम अत्यासक्तो देवा, अभी महाराज बहुत कष्ट में है सीता की याद आ रही तो थोड़ा सा इनको इधर उधर मन बहलाने का प्रयास करती। राम ने कहा ये वो वस्तु ठीक है कि उठाए परिक्रमा राम उठ करके चल रहे वासंती के साथ दूसरी जगहों को घूम गए। सीता ने कहा संदीपन है दुखस्य, दुख को संदीपन मैंने बढ़ाने वाला। सीता ने कहा कि आप सोच रही हैं कि राम यहाँ से जाएंगे तो दुख घट जाएगा, घटेगा नहीं और बढ़ेगा। सीता कहती संदीपन है बढ़ाने वाला ही होगा दुखस्य दुख, प्री सख्या विनोदन उपाय
जो हमारी प्रिय सखी विनोदन का उपाय करती है, मनोविनोद राम का हो जाए, राम का मनोविनोद हो पाए। ये जो उपाय किया गया है वासंती का कि मैं कहीं और ले जाऊं, सीता ने कहा ये उपाय फेल हो जाएगा, जहां जाएंगे वहीं मेरी याद आएगी। छोटी में ऐसा कोई जर्रा नहीं है जहां सीता ना हो, और जिस जगह को देखे राम और सीता की याद हो। बोले हाँ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई जर्रा नहीं जहाँ राम पूरे पंचवटी में सीता के साथ रहे होंगे। अरे कौन बगीचा ले जाऊँ, कौन गोदावरी में ले जाऊँ, कौन पेड़ दिखाऊ, कहाँ इतने दिन राम यहाँ थे कहाँ नहीं थे हम बताइए। और जहाँ जहाँ ले जाओगे जो जो दिखाओगे सब में सीता है। बोले हाँ, जब राम के दिल दिमाग में सीता है तो जहाँ भी राम जाएंगे वहाँ हर जगह सीता होगी। बोले हाँ, इसीलिए देखिए जिसके दिल दिमाग में आप बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप हाथ में फोटो लिए हैं तो फोटो छुपा दें, जो दिल में फोटो लगी है उसको कैसे छुपाओ। बोले हाँ, इन्होंने कहा इसी करके आगे वासंती कहती देव देव महाराज महाराज इधर देखिए, कहीं दूसरी जगह ले गई, कोई एक प्रसंग याद दिला रही वासंती, याद दिला रही रामपुर महाराज इधर देखिए, अस्मिन्ने वलता गृहे त्वम भवः, अस्मिन्ने तन्मार्गदत्ते क्षणः साहं सै कृतकौतुकाचिनमभूवरी सैकते चारों ओर से लताएं घेरे हो और बीच में बैठने का स्थान हो, उसको लता गृह कहते हैं। वासंती ने याद किया महाराज मध्यम पुरुष एक वचन रख लगा, इसलिए करता है मध्यम पुरुष का त्वम, तुम कौन राम। बोले महाराज अस्मिन नेव लता गृह, इसी लता घर में तुम माने तुम अभवा थे आप, ये वो घर है, ये वो लता गृह महाराज जहाँ एक बार आप खड़े थे। तन्मार्ग दत्ते क्षणः, सीता के आने का मार्ग देख रहे थे। सीता गोदावरी में स्नान करने के लिए गई थी, बड़ी देर हो गई थी, सीता वापस नहीं आई थी, उसी अस्मिन नेव लता गृह इसी लता गृह में खड़े होकर के आप उधर ही नजर लगाए थे जिधर से नहा करके सीता को लौटना था। सीता क्या करने लगी थी, बोले सा कौन सीता, सा कौन सीता, बोले सा हंस सहित कौतुका चिरम भूत, हंसों के साथ सा सीता, वो हंसों के साथ कृत कौतुका कौतूहल करने लगी, हंसों को पानी छिड़कने लगी, पकड़ने लगी, उड़ाने लगी, हंसों के साथ खेलने लगी थी सीता, इसीलिए चिरम अभूत। कहा गोदावरी के किनारे बालुका में, गोदावरी के तट पर जो बालू था उस बालू से ही वो मानो हंसों के साथ खेलने लगी थी सीता, इसीलिए नहाते 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 देर हो गई, हंसों के साथ खेल में लगी, ऐसे खेल खेल में हंसों के साथ उड़ाने पकड़ने छुआ छूने खेलने में सीता को देर हो गई। आपका नाश्ते का टाइम हो गया था, आप यहीं पर खड़े हुए थे, ऐसा दिखा नहीं मैं कह रहा हूँ, इसी लता गृह में आप खड़े थे और तन मार्ग दत्तक्षणा उसके मार्ग की ओर देख रहे थे, और सीता को हंसों के साथ खेलने में थोड़ा गोदावरी के बालुका में खेलने लगी हंसों के साथ देर हो गई। तो आयां आपको देख
आपको देखकर और आपको ऐसे सीता ने देखा कि आप कमर पर ही दुर्मनाई तब की हो, आपका चेहरा ना थोड़ा दुर्मन था, आप खुश नहीं थे, आप सीता की इस विलंब से नाराज हो गए, इतनी देर कैसे कर दी तुमने। तो बोले कि आयांत्या आती हुई सीता ने त्वाम माने आपको देखा और आपका चेहरा ऐसा देखा कि आपका चेहरा परी दुर्मनायतम था, तो उसने बद्धा, आपने कुछ कहा नहीं था, आपने कुछ कहा नहीं था, आप डांटे नहीं थे, बिगड़े नहीं थे, बस आपका परी दुर्मनायतम इव त्वाम वीक्ष, नाराज नाराज सा आपका मुंह देख करके उसने तया उसके द्वारा कातरयादर विंद पुष्पल निभो मुक्ता प्रणामांजलि, मुक्ता प्रणामांजलि, वो मुक्त बड़े हृदय से मानो कि अपने कष्ट अपने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए प्रणामांजलि बद्धा। सीता ने पहले से हाथ जोड़ लिया, आपका परिदुर मनाई का भी चेहरा देखा, वो समझ गए कि आप नाराज हो गए, और आप नाराज हो गए तो इससे पहले कि आप कुछ कहें आप कुछ बोलें, वो पहले से मानो आज हो रही सॉरी, अब कल से जल्दी ना आते हो ऐसा बोली नहीं, बोले वो सीता आती हुई मुग्धा प्रणामांजलि आपके चेहरे को देखकर पहले ही कर ले गलती हो गई। मानो वो कैसी, बोले कातर याद, बड़ी कातरता से, बड़ी कातर होकर भयभीत होकर डर कर मुझसे गलती होगी, इतनी देर कैसे मैंने कर दी, और अरविंद कुलमल निभा, और अरविंद कमल और कुलमल माने कहीं जो कमल खिल जाए तो ऐसे हो जाता है, अब खिलने वाला हो तो ऐसे होता है, तो मारे डर के ऐसे नहीं हाथ जोड़ी, जो अभी कातर हमें डरता रहेगा डरता रहेगा ऐसे हाथ जोड़ा, ये खिलने वाले कमल की कुर्मल निभा क्या है, भूति ने लिखा जैसे खिलने वाले कमल की कली के समान कातरता से उन्होंने आपके चेहरे को देखकर पहले हाथ जोड़ लिया, और इधर से सीता को भूति ने हाथ जोड़वाया और राम को परिदुर्मनायतम किया, मानो न राम ने कुछ कहा न सीता ने कुछ कहा, राम का वो चेहरा मानो सब कुछ कह दिया और सीता का हाथ जोड़ना मानो सब कुछ कह दिया, ये भवभूति बजावता थी। यदि आपको अपना गुस्सा कुछ बोल के दिखाना पड़ा तो फिर आपकी पत्नी भी आपको नहीं समझती, और यदि आपके चेहरे को पढ़ करके वो देख लें और पहले इसके पहले कि आप फायर हो और दोनों ओर से सामंजस्य बना दिया भगवान जी ने, अब बता दी ये प्रसंग आप राम को सुना रहे हैं, राम का दुख दूर होगा, अरविंद कुंडल निभो पहले ही उन्होंने मुग्धा प्रणामांजलि बद्धा, पहले ही उन्होंने अपने प्रणामांजलि हाथ जोड़ने की अगर राम ने कुछ कहा भी वो भी समझ गए कि राम नाराज हैं और राम भी समझ गए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ राम समझे और कुछ सीता, तो फिर जंगल में रहते हुए भी सब मंगल होता है। बोलिए और इस प्रकार के प्रसंग को बासंती ने धीरे से कहा, हमको लगता है बसंती खड़ी थी नहीं होगी तभी इतना बढ़िया वर्णन कर पाए। सीता कहते हैं दारुणा अश्व संति दारुणा, अब बताइए ये प्रसंग तो दोनों के लिए खतरनाक है ना, इसीलिए सीता ही जवाब देती है कि बहुत दारुण हो बहुत कठोर, अगर इतना ये बड़ा गंभीर प्रसंग है, बोलिए ये सीता राम को कितना भीतर से जानती है और राम सीता को कितना भीतर से मानते हैं, दोनों का प्रसंग। सीता ने कहा बहुत दारुण,
सीता कहती बहुत दारू हो वासंती बहुत कठोर हो या कहते ही हृदय मर्मो उद्घाटित सरल संघट नहीं हृदय के मर्म को उद्घाटित करने वाला हृदय में अरे भाई बहुत दिन की बात हो गई थी इसको क्या करो तो ऐसे शल्य संगठन रखता कि जैसे तुमने भीतर दबे हुए किसी एक कील को फिर से उकेर दिया हो उखाड़ दिया हो पुनः पुनः अभिमान फिर से तुम मुझको मंद भागनी मुझे भागन को और आर्य पुत्रम चा मेरे ऊपर भरोसा असर नहीं हो रहा माम मंद भागनी और आर्य पुत्रम चा स्मारयसि बार बार इस प्रकार की घटनाओं को जो मर्म स्थानों को पीड़ा पहुंचाने वाली है ऐसी घटनाओं को मुझे भी और मेरे आर्य पुत्र को भी इस प्रकार की घटनाएं याद है याद करा करा करके तुम ये मतलब अच्छा नहीं कर रहे हो जितने इस प्रकार की घटनाएं याद आएंगी सीता और राम दोनों को कष्ट होगा तो सीता ने अपनी बात कही और राम कह रहे हैं चंड के जान की ये चंड एक अच्छा संबोधन है राम को लग रहा है कि सीता नाराज है नाराज लगना भी चाहिए क्योंकि भाई आपने अपराध सीता को निकाला है तो राम चंडी कह रहे हैं ऐ क्रोध करने वाली ऐ गुस्साने वाली जानकी इतस्ततो दृष्ट से एव मुझे लग रहा है कि तुम इधर ही कहीं दिखाई पड़ रही हो मानो क्यों माने मानो इतस्तत इधर उधर दृष्ट से एव मानो दिख रही हो लेकिन नाम तो बात नहीं कर रही हो आ नहीं रही हो बोल नहीं रही हो बैठ नहीं रही हो तो यही तो कहीं है मेरे दिल का चैन यही नहीं करे राम यही पे कहीं हो इधर उधर कहीं हो और तुम दिखाई से भी पड़ रहे हो मानो हम तुम्हें देख तो रहे हैं पर तुम आ नहीं रहे क्योंकि राम का एहसास है ये सच है कि सीता यही वही है अगल बगल है तो मेरे अगल बगल नहीं है राम कह रहे हैं हिंदी बोलते तो ऐसे बोलते संस्कृत बोल रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं नहीं और इसका एहसास कर रहे हैं राम तुम्हारे आस पास हो और उन्होंने एक श्लोक से मानो फिर से सीता को याद किया राम को कितनी गहराई से एहसास है कि सीता हमारे आस पास है बोले हा हा दे मानो सारे जोर ढीले हो गए शून्यम मन्ये जगत सारे जगत मानो तुम्हारे बिना सूना है
अविरल ज्वाला लगातार चलने वाली विरह की ज्वाला अंदर ही अंदर ज्वाला में जल रही है। सीतन नन्दे कहां से भी दोरो माजरी अंदर आत्मा। इस गहरे अंधकार में बताया कि किन्नर में व्याकुल सीतन और अंधे अंधे तमसी इस भयानक अंधकार में समय तमस अंधकार छाया है चारों। सीता नहीं है तो मानो जगत में दिन में भी रात को अंधेरा लग रहा है। और उन्होंने कहा ऐसे विदुर मैं विदुर हूँ जिसकी पत्नी ना हो वो विदुर होता है। राम ने कहा सीतन अंधे तमसी विदुरो माजती अंतरात्मा। मानो हमारी अंतरात्मा मज्जति की बहु मानो हमारी अंतरात्मा इस अंधे तमस में इस अंधकार में तमने मानो हमारी अंतरचेतना डूब सी रही। इस संसार में मानो मेरा कोई नहीं मेरी अंतरचेतना मानो डूब सी रही है। मैं इस संसार में मानो रहता हुआ भी नहीं हूँ। विश्वम विश्वम माने चारों ओर से मोह माने मोर्चा स्थगित माने मानो हमको घेर रही है। मंद भाग्य कथम करोगी मैं अभागा भला मंद भाग्य हरामा कथम क्या करोगी। विश्वम चारों ओर से मोह ये मोर्चा स्थगित मानो चारों ओर से मोर्चे मोर्चा मुझे चक्कर सा आ रहा है। हर ओर से मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ लगता है इस अंधकार में डूब सा जाऊंगा। ऐसी देह तुम कहाँ हो मेरा हृदय पट रहा है ध्वंसते देह बंधा शरीर के सारे चोर मन कीड़े हो रहे हैं। शून्यम मन्ये जगत सारा संसार तुम्हारे बिना सोना है। विरलम अविरल ज्वाला मंत्र ज्वालामी अविरल ज्वाला विरह की अविरल ज्वाला तुम्हारे बिना विरह की ज्वाला हमेशा अंदर ही अंदर जल रही है। और सीधन अंधे तमसी इस अंधकार में तमस में अंधकार में मेरी अंतरात्मा मन डूब सी रही है। मैं विधुर मैं पत्नी युक्त विश्व मोहा स्थगित चारों ओर से मूर्छा मानो मुझे घेर रही कथम मंत्र भाग्य करो मैं अभागा भला क्या करूं। इति मूर्छति राम मूर्छित हो जाते हैं। अधिक अधिक है धिक्कार है धिक्कार है पुनरपि मूर्ख आर्य पुत्र फिर से मूर्छित हो गए आर्य पुत्र। किसने कहा सीता ने वसंती ने कहा देव समास तो सी समास। अब राम के साथ कौन है हमसा के साथ सीता। जब सीता मूर्छित होती है हमसा कैसी समास उसी समास नाम मूर्छित होते हैं। एक बार वसंती मूर्छित हुई थी नाम कह रहे समास जो सब लोग मूर्छित हो माहौल ही मूर्छित हो इधर भी दो बदलिया इधर भी आधे लोग मूर्छित सर्वभूषण भी बोलेंगे समाज तो जिनको नींद आए हर आगे बगल वाला खोदे और कहे समाज सीता हाँ हाँ समाज उसी करो आगे रिजल्ट आपको मिलेगा। आर्य पुत्र माम मंत्र भागनी मुझ अभागे को उद्देश्य सीता करी मुझ अभागन को उद्देश्य मैंने याद करके सकल जीवलोक मांगल के जन्म लाभस्य जो सारे जीवलोक मैंने संसार के लिए मंगल है जिनका जन्म लेना राम का जन्म लेना इस संसार में सबके लिए मांगलिक है। वो व्यक्ति मेरा नाम लेकर के यहाँ ये मर गया सीता की सोच है तो मैं अपने आप को कितना अभागन समझूंगी। राम का ऐसे ही मूर्छित होकर के संसार से चला जाना सारी अयोध्या को अनाथ कर देना होगा। बार बार संशयित जीवित दारुणा उनका जीवन बार बार दारुण संशय में पड़ रहा है। मूर्छा होना जीवन का संशयात्मक स्वभाव है। मूर्छित व्यक्ति जब होश में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता इसीलिए बार बार जीवित इनका जीवन दारुण संशय में दशा परिणाम यदि दशा परिणमित हो गई दशा परिणमित क्या हो जाएगी मान लो मूर्छा में गए फिर लौटे नहीं
तो हाथ हटा सकूं तब तो मैं जिंदा मर जाऊंगी। अरे क्योंकि तो घटना किसकी वजह से होती, मेरी वजह से। किसका नाम ले रहे हैं? हा देवी स्फुटित हृदय बोल रहे हैं ना, हा हा देवी स्फुटित हृदय असही में हृदय स्फुटित हो गया था जाएगा। देखिए प्यार करो लेकिन देखो कि कौन हा हा देवो स्फुटित हृदय कह के लटक गया तो कोई लाएंगे केड़िया में लड़वा जाएगा ना, चाहे चली गई चाहे चला गया। सीता को इस ये तो मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ आपके लिए, सीता के भाव नहीं है लेकिन ये भी भाव है कि राम सारी दुनिया के लिए इनका जन्म लाभ सारे संसार के लिए कल्याणकारी। ये सही है कि मेरे लिए राम कैसे हैं मेरे जीवन में कैसे हैं अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया के लिए राम तो बड़े अच्छे। और राम का जीवन बार बार संशय में पड़ रहा है, वो राम बार बार मोक्षित हो रहा है, वो भी मेरी वजह से। यदि ऐसा कुछ दशा परिणाम हुआ, दशा बदल गई, भगवान ने अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तब तो हा आकाश, तब तो हाय मैं मर जाऊंगी। अब इतना कह के बहू जी का ये प्रसन्न है जहाँ राम और सीता दोनों के एक साथ। सीता को याद करके राम मूर्छित हो, राम को याद करके सीता, मानो भौभूतीय दिखाना चाहते कोई भी एक दूसरे से कम नहीं। राम माना कि सीता को बहुत याद करते हैं, पर सीता भी तो उनके जीवन की यात्रा लेकर के ही आए, कुछ होने न पाए, कुछ होने न पाए, इसीलिए सीता भी क्या हो गई। अब देखना अब सीता के साथ कौन है, उस कमसा क्या बोलेगी, देखिए क्या बोलेगी। सीता मूर्छित हुई तो तमसा पे पकड़ा डायलॉग फिक्स है, और राम मूर्छित हुए तो वासंती का डायलॉग फिक्स है। वत्से समान से समान और वासंती करे कथम अद्यापि कैसे अभी भी नोच्छसिति। अच्छा वसंती जगा रही है इसको, समासुसी कर रही ना, और वासंती ने कहा कि अरे बाप रे अभी भी सांस नहीं ले रहे, ना उच्छ्वसत ना उच्छ्वसिति, अभी भी सांस नहीं ले रहे। आप प्रिय सखी सीते, आप प्रिय सखी सीते क्वा असी कहां हो, संभावे तो आत्मनो जीवितेश्वरम, रक्षा करो अपने जीवन प्राबल्यम। जीवत ईश्वर, तुम्हारे जीवन के ईश्वर, तुम्हारे जीवन के ईश्वर कौन है, तुम्हारे जीवितेश्वर अपने प्राणनाथ को, अपने प्राणवल्लभ को, अपने जानवन को। जान मन जिस जान में बसे वो जाने मन जिस जान में बसे वो जाने। ऐसा शब्द नहीं कि किसी को भी कह